नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता। मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड के कुछ लेटेस्ट अपडेट। सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी से तो सभी वाकिफ ही होंगे, भले ही ये रिश्ता आज अधूरा रह गया है, लेकिन इस रिश्ते के बीच के प्यार और दोस्ती को शायद ही कोई भूल पाएगा। दरअसल इस रिश्ते की शुरुआत तो बिग बॉस के घर से हुई थी, वहीं घर से निकलने के बाद इन दोनों के बीच की नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन शायद ये चीज ऊपर वाले को मंजूर नहीं थी और उन्होंने इसीलिए इन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। लेकिन अभी भी शहनाज सिद्धार्थ की यादों से बाहर नहीं आ पाई है और एक बार फिर शहनाज ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे शहनाज और सिद्धार्थ का रिश्ता एक बार फिर से ताजा हो गया है। तो ऐसा क्या कर दिया है शहनाज ने, जानते समझते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल शहनाज गिल ने अपने एक फैन को ऑटोग्राफ दिया था जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि शहनाज ऑटोग्राफ देते हुए पहले सिड लिखती हैं और उसके बाद नाज। वहीं शहनाज के इस वीडियो पर फैंस जमकर कमेंट भी कर रहे हैं, जहां इस ऑटोग्राफ को देखने के बाद फैंस की नजर में शहनाज की रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई है और यूजर्स कमेंट कर ये लिख रहे हैं कि दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। वहीं शहनाज सिड को अपने सिर का ताज बनाकर रखेंगी। तो वहीं एक यूजर ने लिखा है कि जिस तरह से शहनाज ने ऑटोग्राफ देते हुए सिड का नाम ऊपर और नाज नीचे लिखा है, बजाय दोनों को साथ में सिडनाज लिखने के, मुझे लगता है कि शहनाज सिद्धार्थ को एक पायदान ऊपर रखती है, जैसा कि एक गार्जियन एंजल देख रहा हो। वहीं एक्ट्रेस की वर्क फ्रंट की बात करें तो शहनाज जल्द ही साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म सलमान खान की कभी ईद कभी दिवाली में नजर आने वाली है, जिसकी शूटिंग भी शहनाज ने शुरू कर दी है। वहीं कुछ दिनों पहले ही शहनाज गिल ने अहमदाबाद में रैंप वॉक किया था। इस रैंप वॉक में शहनाज रेड कलर के लहंगे में दुल्हन की तरह सजी हुई थी। वहीं रैंप पर शहनाज का अंदाज और उनका लुक सभी को काफी पसंद आया था। वेल, आप अभी भी शहनाज और सिद्धार्थ के रिश्ते को कितना मिस करते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप शहनाज को बड़े पर्दे पर देखने के लिए कितने एक्साइटेड है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वेल, अभी की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।